करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास क्या है? वायु पेटियां, पवन पेटियां। ठीक है, तो स्थायी पवन पेटियां ये आज की क्लास है। कल मैंने आपको पवनों का कॉन्सेप्ट बताया था कि पवनें कहां से कहां की ओर दिशा करती है। पवनों को दिशा प्रदान करने के लिए तीन तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तत्व है दाब प्रवणता। पवने हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाह करती है। दूसरा जो तर्क है उसमें वो है कोरियोलिस बल और फेरेल का नियम। तो कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। याद कैसे याद रखना है? हम लोग कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं और हम लोग हमेशा सही हैं, इसलिए वी आर राइट। तो राइट राइट में मोड़ देना। और तीसरी चीज स्थलखंड और जलखंड की बनावट, तो उसके आधार पर भी पवनों की दिशा आदि निर्भर करती है। तो स्थानीय पवन को अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी की जो प्रमुख पवने हैं उसके लिए हम दाब पेटियों का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने दाब पेटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो सबसे पहले हम लोगों को मान ग्लोब पर दाब पेटी ही लगानी है। अब मैं फिर से यहां पर दाब पेटी आपको बता रहूंगा, ठीक है? एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा और चौथी दाब पेटी ऊपर। तो आप बस कॉन्सेप्ट देखते जाना। एक दाब पेटी ये है, अगली दाब पेटी ये है और अगली दाब पेटी ये है और लास्ट की जो दाब पेटी है वो ये है, ठीक है? इसी प्रकार से नीचे भी आपने इसी तरीके से डायग्राम बनाना है। एक दाब पेटी ये हो गई, एक ये हो गया और एक दो और ये कौन सी दाब पेटी बनेगी? भूमध्य रेखा पर। ये 0 डिग्री हो गया ना, और ये हो गया आपका 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ। ये लगभग 30 डिग्री उत्तरी क्षेत्र है। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये 60 डिग्री नॉर्थ है और ये हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ। इधर आते हैं तो ये डॉट हो गया 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और लगभग 90 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव, ठीक है? ये दाब पेटी है। कितनी दाब पेटी है? 7 दाब पेटी है। भूमध्य रेखा पर कौन सी दाब पेटी है? भूमध्य रेखीय। उच्च दाब या निम्न दाब? निम्न दाब, वेरी गुड। उसके बाद कौन सी दाब पेटी आती है? उपोष्ण। उच्च दाब या निम्न दाब? नीचे भी कौन सी दाब पेटी आएगी? उच्च दाब या निम्न दाब? उसके बाद कौन सी पेटी आएगी? उपध्रुवीय। उच्च दाब या निम्न दाब? निम्न दाब। उसके बाद ध्रुव। ध्रुव पर कौन सा दाब होगा? हाई प्रेशर। नीचे यहां पर आते हैं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास कौन सा क्षेत्र आएगा? उप ध्रुवीय। सेम रिपीट होगा ना ऊपर जैसा, उच्च दाब या फिर निम्न दाब? निम्न दाब। ध्रुवों पर कौन सा दाब होगा? उच्च दाब। ये यहां तक की 7 स्थायी पवन पेटियां क्लियर है? तो सबसे पहले तो पवने कौन कौन सी है उसके लिए दाब पेटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब मैं हवा बना रहा हूं और आप पहले मुझे देखते जाना, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा बनाने का, ठीक है? मान लो मैं यहां पर उत्तरी गोलार्ध में शुरू करता हूं पेटियां। तो उत्तरी गोलार्ध में चलिए सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर मान लो ये दो जगह पर दाब में प्रवणता है, यहां की दाब अलग है यहां की दाब अलग है, तो मुझे बताओ कि हवा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे किधर को जाएगी? ऊपर से नीचे आएगी। चलो मैं यहां डॉटेड लाइन बना दी मैंने हवा की ऐसे करके, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया है, डॉटेड लाइन बनाई है। अभी पहले डॉटेड लाइन बनाना, ठीक है? क्योंकि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ सतह पर प्रवाह करती है। अब दूसरा तर्क यह है कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल और फेरेल के नियम के अनुसार पवने कौन से तरफ मुड़ेगी? दाहिनी तरफ। तो ये दायां है और ये बायां है, यही है? नहीं, ये राइट है, ये लेफ्ट है ना? मैं एरो अगर ऐसे खड़ा होऊंगा तो मेरा राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो उत्तरी गोलार्ध में राइट मोड़ दो। तो ये जो हवा यहां से उड़ान भरना शुरू करेगी भूमध्य रेखा की तरफ आने में, ये धीरे धीरे करके मुड़ के ऐसे आएगी। ये वाली हवा मुड़ के ऐसे हो जाएगी,
ये वाली हवा मुड़ के ऐसे हो जाएगी और ऐसे ही नीचे इधर एक और हवा बनाऊंगा तो ये ऐसे हो जाती है। तो इन हवाओं को बोला जाता है, कौन सी हवाएं बोला जाता है? व्यापारिक पवने। साल भर ऐसे ही चलती है ये, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है लेकिन आपने साल भर ऐसे ही याद रखना है। तो व्यापारिक पवने कहां से कहां चलती है अगर सवाल पूछा जाएगा, तो पहले उत्पत्ति का बेल्ट और फिर जहां खत्म हो रही है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जो पवने चलती है सतह पर, इनको बोला जाता है व्यापारिक पवने। आया लॉजिक समझ में? इसी प्रकार से यही कॉन्सेप्ट नीचे भी लागू होगा। नीचे भी सतह पर दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, यहां हवा भूमध्य रेखा से नीचे जाएगी या फिर उपोष्ण से भूमध्य रेखा, कहां जाएगी बताओ? तो हम बोलेंगे उच्च दाब से निम्न दाब। तो उच्च दाब से निम्न दाब ऐसे करके भेज देते हैं हवाओं को, ऐसी बनेगा डायग्राम। मगर हवा सीधी नहीं जाएगी, पृथ्वी घूम रही है और उस घूमने के कारण कोरियोलिस बल और फेरल का नियम क्या बोल रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ो हवा को, जो हवा यहां से शुरू होगी वो यहां नहीं मिलेगी आपको, वो ऐसे पीछे की तरफ होने लग जाएगी। तो ये हवा भी बाईं तरफ जाएगी, ये हवा भी बाईं तरफ गई, ये हवा भी बाईं तरफ गई, तो नीचे भी इनका नाम क्या पड़ेगा? व्यापारिक पवने। आया तर्क समझ में? इसके अलावा इसका नाम और है, इसको पूर्वा पवने भी बोलते हैं। कौन सी पवने बोलते हैं? इन्हीं का एक नाम और है, वो है पूर्वा पवने। पूर्वा का मतलब क्या होता है? पूर्व। और मैंने आपको बताया था वायु और जल, इसका नामकरण उत्पत्ति की दिशा से हो रहा है। अब देखो इसका मैं बनाता हूं, इसको पूर्वा क्यों बना रहे हैं? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। पूर्वा पवन कहां से उत्पन्न हो रही है? तो इसकी उत्पत्ति औसतन पूर्व से, और जहां कहां रही है, खत्म कहां हो रही है? तो जो उत्पत्त जिसकी उत्पत्ति पूर्व से होगी उसका नाम क्या पड़ जाएगा? पूर्वा पवने। आ गया लॉजिक समझ में? अब मैं चाहो तो इनको मिटा भी सकता हूं, आप इनको मिटा दो तो फिर आपको पूर्वा पवनों की ऐसी दिशा मिल जाएगी। भूमध्य रेखा से थोड़ा सा दूर, 5-5, 10-10 डिग्री के आसपास, दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवने ऐसे आपस में टकरा के फिर गर्मी की वजह से ऊपर उड़ जाती है, फिर ऐसे गिरती है नीचे यहां पर, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे उड़ रही है। तो यहां पर दोनों पवने टकरा रही है। आया लॉजिक समझ में? अब अगले वाले दाब पेटी पे चलते हैं। क्योंकि हमने बोला कि पवने उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती हैं, तो निम्न दाब तो यहां पर भी है ना, तो कुछ हवा यहां से ऊपर की तरफ भी जाएंगी, सारी हवा नीचे नहीं आती है। तो जो कुछ हवा ऊपर जा रही है, समझ लो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, वो हवा सीधी नहीं जाएगी। उपोष्ण उच्च दाब और उपध्रुवीय निम्न दाब के बीच में हवा उपोष्ण से उपध्रुवीय की तरफ जाएगी दाब प्रवणता की वजह से। लेकिन कोरियोलिस बल और फेरेल का नियम इसको उत्तरी गोलार्ध में किधर मोड़ देगा? दाईं तरफ। मोड़ दिया इधर, मोड़ दिया इधर, हो गया ना, मुड़ गई ना इधर, राइट साइड मोड़ दी मैंने, आसान है। इनका नाम पड़ जाता है, इनका नाम क्या पड़ जाता है? पछुआ पवन। पछुआ क्यों? इनकी उत्पत्ति की दिशा पश्चिम से किधर प्रवाह कर रही है? ये पूर्व की ओर, तो ये होगी आपकी पछुआ पवन। सिंपल। दक्षिणी गोलार्ध में भी उपोष्ण उच्च दाब से हवा उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ जाएगी, तो मान लो हवा ऐसे नीचे की तरफ जा रही है इस प्रकार से, तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी तरफ जाना है, लेफ्ट या राइट? बाईं तरफ, तो बाईं मोड़ दो, इधर भी बाईं मोड़ दो, इधर भी बाईं मोड़ दो, इधर भी बाईं मोड़ दो, और क्योंकि उत्पत्ति की दिशा देखते हैं, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, तो इनको भी क्या बोला जाता है? पछुआ पवन। लॉजिक क्लियर? अब ध्रुवीय उच्च दाब और नीचे है उपध्रुवीय निम्न दाब, तो सतह पर यहां पर हवा कहां से कहां जाएगी? कॉन्सेप्ट सिंपल है, उच्च दाब से तो नीचे लेकर के आते इन हवाओं को ऐसे, लेकिन कोरियोलिस फोर्स क्या बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में किधर मोड़ना है आपको? दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ। तो इन पवनों का नाम हो जाता है ध्रुवीय, और साथ साथ में पूर्वा शब्द भी यूज हो जाता है क्योंकि ये भी पूर्वा है, तो मगर इनका नाम हो गया व्यापारिक पवने। एक नाम और है इनका, सन्मार्गी पवने, इनको सन्मार्गी पवने भी बोलते हैं। ठीक है, सेम लॉजिक यहां लागू होगा,
ध्रुव पर उच्च दाब, उप ध्रुव पर निम्न दाब। हवा का लॉजिक बहुत सिंपल है, उच्च दाब से कहां जाएगी, निम्न दाब की तरफ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में ये हो गया मेरा राइट, ये हो गया लेफ्ट, तो किधर मूव करेगी, लेफ्ट की तरफ मूव करा दो, ये हवा और इधर जा रही है, लेफ्ट मूव करा दो। इनका नाम क्या हो जाएगा, ध्रुवीय, क्या होगा, पूर्वा। ठीक है, तो हमारे पास तीन प्रकार की पेटियां, वायु है, स्थायी पवन है, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, और ध्रुवीय पूर्वा पवन है। लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आप समझने की कोशिश करो। क्या आप बिना दाब के इनको समझ सकते हो, नहीं समझ सकते। हमने पकड़ना है हाई प्रेशर वाला इलाका, हवा जो मूव करेगी वो हाई प्रेशर से मूव करना शुरू करेगी, लो प्रेशर से नहीं मूव करेगी। लो प्रेशर जहां होगा वहां हवा इकट्ठी होने लगती है। देखो यहां भी इकट्ठी हुई दोनों तरफ से हवा, और भूमध्य रेखा भी पर भी इकट्ठी होने लगी दोनों तरफ से हवा। आया तर्क समझ में? और हवाओं का नाम पूर्वा पछुआ कैसे करना है, जहां से वो पवन उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा के हिसाब से उसका नामकरण कर दो। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो पवन पेटी को याद करने के लिए दाब पेटी का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसकी थ्योरी लिखिए। तो पछुआ पवनों को लेकर के एक आपको अपवाद की परिस्थिति याद रखनी है, और यह हमें मूलतः दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों के बारे में याद रखना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक मैप ग्लोब बनाऊं भूमध्य रेखा, तो लगभग 40 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन क्षेत्रों में अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ऐसे बनाऊं और फिर यहाँ पर अंटार्कटिका बनाऊं, ये ऑस्ट्रेलिया, इसे आइडिया मिलेगा मतलब कि किधर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये हो गया अंटार्कटिका, ये स्थलखंड है और ये भी स्थलखंड है, लेकिन बाकी का जो पूरा इलाका है यहाँ पर महासागरों का पानी है और यहाँ पर कोई भी स्थलखंड नहीं है। तो मान लीजिए पछुआ पवने जो चलती है वो पश्चिम से किधर की तरफ जाती है, तो यहाँ पर जो पछुआ पवने हैं वो इस तरीके से प्रवाह करती है, इस तरीके से प्रवाह करती है, इस तरीके से, इस तरीके से। आप देखो 30 से 60 के बीच में मैंने इसी तरीके से बना रखा होगा। इन पवनों को मैंने क्या बोल दिया, पछुआ पवने। अब देखिए, क्योंकि यहां पर स्थलखंड की कमी होती है, तो स्थलखंड की कमी और सागर के खुलेपन की वजह से ये जो पछुआ पवने हैं कोरियोलिस बल अत्यधिक होने के कारण ये ऐसे फ्लो करती है, सीधी हो जाती है, ज्यादा मुड़ जाती है लेफ्ट, और लेफ्ट मुड़ करके ये इनकी दिशा ऐसे हो जाती है ग्लोब पर, पीछे की तरफ भी फ्लो कर रही होगी और इधर भी प्रवाह कर रही। तो फिर ऐसी परिस्थिति होने पर अलग अलग अक्षांश पर इनके नाम अलग अलग है। 40 मूल रूप से इनको बोला जाता है, जो ये 40 से 70 के बीच में सारी हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ भाग रही है, मूल रूप से इन पवनों को बोला जाता है बहादुर पछुआ। क्या बोला जाता है, बहादुर पछुआ, बहुत तेज, इसलिए बहादुर पछुआ। स्थानीय रूप में जो 40 डिग्री पर है, 40 डिग्री पर इसको बोला जाता है गरजता चालीसा। क्या बोला जाता है, गरजता चालीसा। जो 50 डिग्री पर जा रहा है इसको बोला जाता है प्रचंड पचासा। जो 60 डिग्री पर जा रहा है 60 डिग्री साउथ इसको बोला जाता है चीखता साठा। और जो 70 डिग्री पर जा रहा है इसको कहते हैं चिल्लाता सत्तरा। अर्थात तर्क यह है कि 40 डिग्री से 70 डिग्री तक जाते जाते ये जो चार प्रकार की पछुआ पवने हैं, स्थानीय पछुआ पवने, इनका अक्षांश के हिसाब से नाम रखा हुआ है और इनकी स्पीड के हिसाब से भी नाम रखा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि गरजता चालीसा की स्पीड सबसे ज्यादा होगी या चिल्लाता सत्तरा की? हाँ, यहां पर गति कम है
और यहां पर गति सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा तेज गति हो जाती है। आदमी पहले गरजता है, उसके बाद ओए, उसके बाद ओए, उसके बाद ओए, तो चीखने और चिल्लाने में हम कहते हैं ना, अबे चीख और चिल्ला क्यों रहे, चीखना पहले यानी थोड़ा कम और चिल्लाना उससे ज्यादा, तो गरजना प्रचंड चीखता चालीसा, क्योंकि इतनी तेज हवा चलती है, हवाओं की आवाज आती है बड़ी जोर जोर से, यहां पर आती श, यहां पर श, यहां पर श, यहां पर श, ये लिखे आप लोग।